इज इट अगेन अ मिथ कि हर पायल दी प्रॉब्लम वो सर्जिकली ही ट्रीट होंगी है या फिर उन्हें ओरली भी ठीक कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में पाइल्स बिल्कुल दवाइयों के साथ 100% ट्रीट हो सकती है। इन द केस आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो भी लेज़र टेक्नोलॉजी के साथ टोटली पेनलेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें हार्डली 15 मिनट के अंदर इलाज करा के आप वापस जा सकते हो 2 घंटे के अंदर। एक बड़ी दुख की गल है कि लोग राइट टाइम पर नहीं आते। ये राइट टाइम केड़ा हुंदा है सर? राइट टाइम यह है कि जदों तुहानू कोई भी सिग्नल आंदा है, यानी तुहानू कोई ब्लीडिंग है टॉयलेट या टॉयलेट के टाइम तुहानू कोई दर्द हो रहा हैगा। जैसे आप आज आप पेशेंट आपके पास सुबह आया, आपने उसको ट्रीट किया, उसका सर्जरी किया, तो उसका रिकवरी टाइम या डिस्चार्ज टाइम अगर हम कहें तो वो क्या रहता है? मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और उसी दिन से लोगों को अपनी रूटीन एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। लोगों के मन में होता है कि अब मैं मिर्च नहीं खाऊंगा, अब मेरे को ये परहेज करना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले दिन से जो चाहें वो खा सकते हैं। हेजिटेशन की वजह से डिले कभी मत करिए डायग्नोसिस करवाने में, क्योंकि डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कई बार ये सिम्टम कैंसर के हों। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जयसिमर सिंह, रोजाना स्पोक्समैन। तो आज मेरे नाल स्टूडियो दे विच ने डॉक्टर हितेंद्र सूरी, जो मेरे बहुत फेवरेट ने। ते ओ आए ने राणा हॉस्पिटल सरहिंद तो, जिहड़ा मन्निया जांदा है पंजाब दा सब तो वड्डा हॉस्पिटल, जिथे हुंदा है पाइल्स दा ट्रीटमेंट। ते मैं तुहाडा स्वागत करदी हां सर रोजाना स्पोक्समैन दे स्टूडियो दे विच। सर थोड़े नाल मैं फर्स्ट टाइम जो इंटरैक्ट किया सी साढ़े फर्स्ट एपीसोड दे विच, सर बहुत ही मज़ा आया सी। थोड़े नाल इन्ना वधिया इंटरैक्शन करके ते आपां मिथ्स दे बारे गल कीती सी, लोकां दे दिमागां दे विच जिन्ने मिथ्स हैगे ने पाइल्स नूं लेके, बवासीर नूं लेके। ते अज असीं सर की गल्लां करन वाले हां इस एपीसोड दे विच? अज असीं थोड़ा ट्रीटमेंट दे बारे गल करना चाहते हैं मैम। ग्रेट सर, ग्रेट, ठीक है। तो सर मैं होर भी बहुत जानकारी थोड़े लिती सी भी, थोड़ा ना जिहड़ा राणा पाइल्स हॉस्पिटल दा हैगा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच तुसी अपना नाम बनाया है सर, मतलब हाउ डिड यू डू दैट? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे अंदर 2016 च राणा हॉस्पिटल दा नाम रजिस्टर होया सी। बेसिकली असी ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 291 ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। उस एक्टिविटी नू फाइनली गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रजिस्टर किया सी। क्या बात है। तो उसमें सर मतलब कितने बच्चों ने ओवरऑल स्कूल्स में पार्टिसिपेट किया होगा? 291 स्कूल्स और 1,25,000 बच्चों ने। क्या बात है। और मतलब उसके बाद क्या आपने कुछ पोस्ट इवेंट एनालिसिस भी किया था कि क्या वो बच्चे वापस हेल्दी ईटिंग में आए हैं? मैडम उसके लिए हर साल उस एक्टिविटी को उन सब स्कूल्स में रिपीट किया जाता है। रिप्लिकेट भी करते हैं आप? क्या बात है, वेरी नाइस सर। ऑल्सो सर आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मैंने सुना है कि आपका आपने अपने वहाँ पर भी अपना यू नो छाप छोड़ी है। तो उसका भी मैंने सुना था कि आपने आई थिंक 391 सर्जरीज 8 आवर्स और 45 मिनट्स में की थी। सो मतलब दैट वॉज कमेंडेबल एंड हाउ डिड यू डू दैट? That's a magical figure, madam. Yes. It was not from one individual. It was a teamwork. पूरी टीम ने काम किया और in 2013 we made a record in Limka Book of Records for doing 391 procedures in 8 hour 45 minutes. सिर्फ 8 घंटे 45 मिनट दे विच 391 ऑपरेशन। क्या बात है। और ये एक्टिविटी जड़ी हुई सी इस दे विच 8 स्टेट्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी पेशेंट 8 स्टेटा तो आए सी। क्या बात है। और ये एक्टिविटी 2013 च हुई और अज 2024 चल रहा है। ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होया और 2023 च, क्योंकि लिम्का बुक एक नैशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, इहदे च नैशनल रिकॉर्ड रजिस्टर हुंदे हैं। पर 2023 दे विच वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस रिकॉर्ड नूं रीएस्टैबलिश करके नाउ इट इज़ ए इंटरनेशनल रिकॉर्ड कि पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट नंबर है। क्या बात है, वेरी नाइस सर। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ सर कि हमने इतने लोगों को कैसे हमने हॉस्पिटल में बुलाया, हाउ आर द प्रमोशंस डन एंड हाउ डिड, एंड आई थिंक इट वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ देम। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें जो विश्व जागृति मिशन और रोटरी क्लब सरहिंद उसने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। तो उसके सारे मेंबर्स आए इसमें और सबने मिलके इसको एक जॉइंट एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया। राइट। और इसमें जो ये एक्टिविटी हुई थी बेसिकली इसमें माइक्रो लेवल पे सारी मैनेजमेंट हुई। क्या बात है। क्योंकि इन टोटलिटी देयर वर मोर देन 700 पेशेंट्स विद देयर अटेंडेंट्स, तो इट वाज वेरी बिग फिगर। वाओ। पर उसको इतना माइक्रो लेवल पे मैनेज किया गया कि एक भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आई और प्रोसीजर्स के बाद सारे पेशेंट्स का बाद में फीडबैक लिया गया विच वाज वेरी पॉजिटिव। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट सर। चलो ये तो रही हमारी अवार्ड्स की बात या रिकॉर्ड्स की बात। तो सर अब हम आते हैं हमारे काम की बात पर। हाँ जी। तो अगर हम बात करें सर हमारे मिथ्स का, आपने बहुत अच्छे से लास्ट टाइम मिथ ब्रेकिंग सेशन था हमारा। आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज कम्प्लीटली ऑन द प्रोसेस, द ट्रीटमेंट, हाउ अ पेशेंट कम्स टू यू एंड फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड, लाइक जिवें सारा प्रोसेस ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਵੈਸੀ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਮੋਰ देन 15 ਮਿੰਟ और 15 मिनट के अंदर प्रोसीजर होके आप आराम से 2 से 3 घंटे में घर जा सकते हो और सेम डे से अपना रूटीन रिज्यूम कर सकते हो। राइट। तो ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 100% ਪੇਨਲੈਸ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਵਨ it's very good to hear after the surgery when we meet patients they say ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ पॉजिटिविटी है दैट इज मोर देन 99%। दैट्स ग्रेट सर। तो सर ऐसे भी बहुत सारे आपको डे टू डे उसमें रूटीन में पेशेंट्स आते होंगे जो कहते होंगे सर मैं तो अदर टाइम यू नो हाफ ऑफ द टाइम दे जस्ट पास ऑन यू नो कि हुन जाऊंगा हुन जाऊंगा आ डर दे मारे कि भी पहुंच गया डॉक्टर को तो वो सर्जरी करके ही छड्डणगे। ते इज इट अगेन अ मिथ कि हर पाइल दी प्रॉब्लम वो सर्जिकली ही ट्रीट हुंदी है या असि उहनूं ओरली भी ठीक कर सकदे हां? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਗੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 80 ਬੰਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਜਸਟ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ ਟੂ ਯੂ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤਵੀਤ ਪਵਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਢਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਰੋਲ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਪਵਾ ਲਓ ਪੈਰ 'ਚ। ऐसे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ टाइम वेस्ट कर ਦਿੰਦੇ ਆ और जब तक डॉक्टर को आते हैं एडवांस स्टेज प्रॉब्लम ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then they think कि यार ऑपरेशन हो गया। तो बेसिकली जे शुरुआत च बंदा आए टाइम सिर आए तो प्रिवेंटिव मेजर्स नाल, डाइटरी चेंजेस नाल, लाइफस्टाइल चेंजेस नाल ही उन्हें बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। एब्सोल्युटली सर। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है सर ये आप लेज़र के थ्रू करते हैं, तो इस ट्रीटमेंट के बारे में जो आप पूरा प्रोसेस है इसका कुछ नाम होगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैडम इसके लिए ना अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं। राइट। जैसे इंफ्रारेड कोगुलेटर होता है, लेजर मशीन होती है जी। इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन होती है, एक डॉपलर टेक्नोलॉजी होती है, स्टेपलर टेक्नोलॉजी होती है, बेंडिंग होती है, मतलब ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं। वी हैव ऑल देयर टेक्निक्स अंडर वन रूफ। देखिए लेजर इज ए वेरी प्रॉमिसिंग टेक्निक और जो पेनलेस होती है और जो वर्ल्ड में लेटेस्ट है, पर हमें स्टेज के मुताबिक डिसीजन लेना पड़ता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी रहेगी। बट एट द एंड वी मेक श्योर कि वॉट एवर टेक्नोलॉजी वी यूज वो पेनलेस होनी चाहिए। right. दो ही बातें होती हैं ना जी, एक तो दर्द ना हो ऑपरेशन में, एक दोबारा ना हो जाए। करेक्ट। तो इन दोनों का वी टेक गुड केयर ऑफ दैट एंड वी मेक श्योर कि वर्ल्ड में कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो तो राणा हॉस्पिटल उसमें पहले हॉस्पिटल्स में होना। करेक्ट करेक्ट सर, एब्सोल्युटली सर। और इसके अलावा सर हमारा रिकवरी टाइम क्या रहता है? जैसे आप आज आप पेशेंट आपके पास सुबह आया, आपने उसको ट्रीट किया, उसका सर्जरी किया, तो उसका रिकवरी टाइम या डिस्चार्ज टाइम अगर हम कहें तो वो क्या रहता है? नॉर्मली हम लोग मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके। और उसी दिन से लोग अपनी रूटीन एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। लोगों के मन में होता है कि अब मैं मिर्च नहीं खाऊंगा, अब मेरे को ये परहेज करना है, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले दिन से जो चाहें वो खा सकते हैं। क्या बात है। और उसी दिन से लोग ड्राइव करके, इवन सम पीपल कम फ्रॉम कश्मीर, दे ड्राइव बैक ऑफ देयर ओन, खुद गाड़ी चला के वो कश्मीर वापस चले जाते हैं। दैट्स ए प्रूफ कि वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आई रिमेम्बर सर, मैंने टेस्टिमोनियल लिया था लास्ट टाइम, एंड आई थिंक समबडी ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड ही सेड मैं आप ड्राइव करके आए सी थे मैडम, मैं वापस भी आप ही ड्राइव करके जाऊंगा। एंड ही वाज सो कंफर्टेबल आफ्टर द सर्जिकल प्रोसेस, which of course is a testimony to the success rate that Rana Hospital has for its patients and its treatment. Yeah. So that is commendable, sir. I must appreciate you, sir. And आप कुछ message sir देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि वो किस stage पे आएँ और इस चीज़ को बिल्कुल ignore ना करें और they should come at the right time basically for the treatment. देखिए मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप ऐसा मत सोचो कि आपको बवासीर है तो आपका ऑपरेशन ही होगा। राइट। इनिशियल स्टेज में पाइल्स बिल्कुल दवाइयों के साथ 100% ट्रीट हो सकती है। राइट। मैसेज नंबर 1। मैसेज नंबर 2, इन द केस आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो भी लेजर टेक्नोलॉजी के साथ टोटली पेनलेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें हार्डली 15 मिनट के अंदर इलाज करा के आप वापस जा सकते हो 2 घंटे के अंदर। राइट। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि हेजिटेशन की वजह से डिले कभी मत करिए डायग्नोसिस करवाने में, क्योंकि डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कई बार ये सिम्टम कैंसर के हों और आप इसको पाइल समझ के इग्नोर करते रहें और बाद में उससे प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो सर कैंसर, रेक्टल कैंसर कहते हैं, रेक्टल कैंसर और पाइल्स में क्या डिफरेंस रहता है अगर किसी को समझाना हो तो? लेमैन देखिए पाइल्स एक ऐसी डिजीज है जो फिजियोलॉजिकल है, यानी आपकी खून की नसें फूल गई हैं, उसको पाइल्स बोलते हैं। Okay. और कैंसर एक स्टेज है जिसमें आपके सेल्स ग्रो करने शुरू हो गए और ग्रोथ में जैसे आदमी को फील होता है कि हर थोड़ी देर के बाद उसको लगता है मुझे टॉयलेट जाना है, एंड व्हेन ही गोज टू टॉयलेट तो म्यूकस और ब्लड पास करता है, स्टूल पास ही नहीं होता। Oh. और पाइल्स में स्टूल पास होता है पर उसके साथ ब्लड आता है। Okay. और Okay. रेक्टल कैंसर में वेट लॉस होता है, पाइल्स में वेट लॉस नॉर्मली नहीं होता। ओके ओके फाइन, ठीक है सर। और मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहती हूँ सर कि जैसे आप ट्रीटमेंट्स करते हैं तो कुछ डिफरेंस रहता है मेल ट्रीटमेंट में या फीमेल ट्रीटमेंट में? मेल और फीमेल के ट्रीटमेंट में तो कोई डिफरेंस नहीं रहता, पर नॉर्मली फीमेल्स में मैडम फिशर होता है। ओके। यानी ये कट लग जाता है, वो कॉमन डिजीज है। मेल्स में हेमोरॉइड्स आर मोर कॉमन, और फीमेल में एक ही प्रिकॉशन होती है। यंग फीमेल्स में वी सजेस्ट कि जब भी आप प्रोसीजर करवाते हो उसके बाद जब आप फैमिली वे में जाते हो, आप कंसीव करते हो, प्रेगनेंसी में जाते हो, तो उस दौरान अपने डाइटरी हैबिट्स को करेक्ट रखना, फाइबर इनटेक प्रॉपर रखना, ताकि आपको जिंदगी में कभी दोबारा ना प्रॉब्लम आए। दैट्स ग्रेट सर। कुछ एक्सपीरियंस सर आप शेयर करना चाहते हैं अपना जो बहुत फनी हो और जो आप शेयर करना चाहते हैं, और ताकि लोग उसको सुने और कहें कि हाँ हम ये गलती नहीं करेंगे और हम टाइम से पाइल्स, राना पाइल्स हॉस्पिटल जाएंगे और अपनी सर्जरी कराएंगे या अपना ट्रीटमेंट लेंगे? कोई भी फ़नी एक्सपीरियंस आपका आई एम श्योर होगा। मैंने बहुत सारे 22 साल, मोर देन 2 डिकेड्स हो गए जी, तो पेशेंट्स को अटेंड करते लोगों ने बड़े तरह के एक्सपीरियंस सुनाए जी। एक बार किसी ने मुझे आके कहा जी मैं 3 बार मन बना के आया कि मैं इलाज करवा लूँ, तो हर बार किसी ने कहा तवीज़ डाल लो, किसी ने कहा चांदी का छल्ला डाल लो, आज कोई कह रहा था अब खटमल मार के बर्फी के पीस में डाल के खा लो। तो पर आज मैंने कहा अब किसी मिथ में नहीं पड़ना, अब तो इलाज कराना ही है, कराना ही है। करेक्ट। तो सिमिलरली एक रीसेंट इंसिडेंट है, उसमें एक पेशेंट आया हरियाणा से, तो मुझे कहते जी कि मेरे को ना किसी ने बताया कि आप यमुना नगर में चले जाओ, उसके पास कोई गांव है। Okay. तो वहाँ कोई हैं सिद्ध पुरुष, वो आपको एक मंत्र देंगे। तो उसने मुझे वो मंत्र भी पढ़ाया, उसमें लिखा हुआ था हारी हारी होरी खूनी बादी दोनों जाए। तो वो इतना हंसा खुद ही कि वो 2 महीने तक दिन रात इसका पाठ करता रहा और उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ने पर उसने आगे ऑपरेशन करा। बताओ, मतलब ये मिथ्स को हमें तोड़ना है सर। बेसिकली हम जो इंटरेक्शंस करते हैं या इंटरव्यूज करते हैं, हम यही मैसेज एक अपने ऑडियंस को लेके जाना चाहते हैं कि ये मिथ्स को ब्रेक करें। मीट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड डू नॉट बिलीव इन ऑल दीज यू नो जो जिसे हम कहते हैं ये बाबा या मैजिकल ट्रीटमेंट्स। दीज आर जस्ट यू नो फॉर द सेक ऑफ कि हमारे को कुछ ना करना पड़े तो हम बस ये इजी मेथड्स यूज कर लें। सो दीज इजी मेथड्स विल एक्चुअली लीड यू टू difficult methods later on. It can lead to cancer as well. Of course, of course. Last episode which we kiya si, ignorance can lead to cancer. Why to invite cancer? You know, so it's the best ways to reach Rana Piles Hospital. Get yourself treated with Doctor Hitender Suri. Sir, main badi happiness ke saath ek question aapse puchna chahti hu. It makes me really feel proud of you. That whosoever I ask about Piles treatment, जिन्हें भी मैंने हजे तक पेशेंट्स मिले ने तो मैं उन्होंने पूछ दिया तो दे ऑलवेज विल रिकमेंड एंड कहेंगे कि असी तो भाई जो ट्रीटमेंट कराने तो राणा हॉस्पिटल तो ही कराना है। तो तुसी उत्थे की इदा का जादू मंत्र किया होया भी सारे राणा हॉस्पिटल ही जाके अपना पाइल्स का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं? मैडम मैनी टाइम्स आई फील लकी कि इन्ना एनवायरनमेंट पॉजिटिव है हॉस्पिटल का, पूरी टीम इतनी स्ट्रांग है। आई एम श्योर आई विटनेस दैट फॉर एवरी पेशेंट दे मेक देम फील कि ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਐਟ ਹੋਮ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਔਰਾ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ तो जो बीमारी को सॉल्व करना तो अद्धी बीमारी तो डॉक्टर को देख के खत्म हो जाती है। तो मैं लगता है राणा हॉस्पिटल के विच जादू मंत्र साडा तुहाडे कोल ही है सर। जिहड़ा तुहाडा वधिया औरा हैगा एंड द पॉजिटिविटी विद विच आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन योर पेशेंट्स, इट्स कमेंडेबल सर, इट्स जस्ट सो गुड एंड आई हैव बीन टेकिंग दिस फीडबैक फ्रॉम पेशेंट्स एज वैल। ताही मैं तुहानूं इन्नी कन्विक्शन नाल कह रही हाँ भी आई मीन अमेजिंग सर, बहुत वधिया। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सर एक तो औरा की गल आप कर दी, थोड़ी पॉजिटिविटी की गल करते हैं तो होर आप इदा के किहड़े हाईलाइट्स है राणा पाइल्स हॉस्पिटल के उत्ते जिहड़े साडे दर्शकों को भी पता चलने चाहिए तो थोड़े कोल माइन्यूटेस्ट ऑफ द सिम्पटम उन्होंने लगे तो उन्होंने थोड़े कोल आना चाहिए। एंड आई हर्ड दैट ऑल अक्रॉस इंडिया लोग थोड़े कोल आंदे हैं। मैं तो मैम ये कहूँगा कि देखो अपने पेशेंट नूं जे आपां रब दा रूप समझ के उहदा ट्रीटमेंट करदे आ ना तो सारियां चीज़ां ऑटोमैटिक हुंदियां। मैं तुहानूं 2 इंसीडेंट शेयर करदा जी जी। एक तो कोई ब्यूरोक्रेट झारखंड दे अंदर वो अपनी कार च जा रहे सी तो उन्होंने अपने ड्राइवर नूं कहा कि मैं ना अगले 5 दिन दी मैडम ने कहा मैं छुट्टी लेनी हैगी है तो तुम मत आना, तुम रेस्ट करना, अगर जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। तो ड्राइवर ने कहा मैडम आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कहीं बाहर जाना है? वो कहा नहीं मैंने ना सर्जरी करानी है। तो उन्होंने कहा किस चीज की? कहा मैं बवासीर का ऑपरेशन कराना है। तो उन्हें ड्राइवर ने कहा कि मैडम आप यहाँ मत कराना, आप पंजाब में राणा हॉस्पिटल कराना। क्या बात है, क्योंकि मैंने 12 साल पहले कराया था, मुझे तब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्या बात है। और शी केम ऑल द वे फ्रॉम झारखंड टू सरहिंद और अब उनके डिपार्टमेंट के मोर देन 100 पेशेंट है जो यहाँ ऑपरेटेड है मैडम। क्या बात है। और दूसरा इंसिडेंट सी कश्मीर के अंदर एक जुडिशियल ऑफिसर कोई मजिस्ट्रेट सीगे वो उन्होंने पाइल्स की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने रिलेटिव खरड़ के अंदर रहते हैं। उन्होंने उन्होंने कहा जी साढ़े इतने एक राणा हॉस्पिटल है वो बड़ा अच्छा, तुम इतने आ जाओ। वो कहते दूर बहुत है भी मैनू आना मुश्किल है। तो ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਇਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਐਂਡ ਆਈ ਫੈਲਟ ਸੋ ਗੁੱਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੀ ਸੋ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, थोड़ी कास्ट किया, थोड़ा क्रीड किया, थोड़ा रिलीजन केड़ा है। आई मीन द प्रॉब्लम इज सेम विद आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम ऑल लेवल्स, फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स एंड आई थिंक वन पॉइंट सॉल्यूशन इज राणा हॉस्पिटल। सो एवरीबडी हू सो एवर हैज़ दिस प्रॉब्लम, छोटे तो छोटा सिम्टम, बड़े तो बड़ा सिम्टम, तुसीं सारे जाओ तो डॉक्टर हितेंद्र सूरी नूं मिलो, कंसल्ट करो। ये इन्ने वधिया डॉक्टर ने, इन्नी वधिया ना तो ओरा है कि थोनू मैंने लगता है आधी प्रॉब्लम तो थोड़ी जिहड़ा एक्चुअली मैंने लगता है सर साइकोलॉजिकली भी लोग बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम नाल डिप्रेशन चाहते होने आ, क्योंकि ओवरऑल आपका रूटीन बहुत बदल जाता है, आप बैठ नहीं पाते, आप उठ नहीं पाते। तो ये भी एक चीज़ है जो आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से लोगों को काउंसिल करते हैं डेफिनेटली कि आफ्टर दिस ट्रीटमेंट आपका रूटीन सारा ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है लोगों के लिए जानने के लिए कि अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप जाइए सर के पास और अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करवाइए, जड़ से निकाल दीजिए जिसे कहते हैं। राइट सर, एंड कोई अच्छा सा सॉन्ग सर हमें सुनाना चाहेंगे आप? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब हैं वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू Rozana studio today, and I'm sure with the insights that you've shared with our audience, everybody is going to come to you on the right time. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.